नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम टेक सिटी में। मैं हूं आरजे ज्योति मलिक और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्रोग्राम टेक सिटी में आज कुछ नया बताने में फिर से हाजिर हूं। आप सभी का बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक सिटी के पिछले एपिसोड में विंडोज 10 के बारे में कुछ आपके साथ शेयर किया था, उसके लिए भी आपका बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप प्रोग्राम टेक सिटी के पुराने शोज को यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। रेडियो उड़ान स्पेस टेक सिटी लिखकर अगर आप सर्च करते हैं तो आपको टेक सिटी के सभी शोज सर्च रिजल्ट में जरूर मिलेंगे। और साथ ही में आप यूट्यूब पर टेक सिटी नाम की प्लेलिस्ट को भी सेव करके रख सकते हैं। आज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ, इस पर बात कर लेते हैं। आज के इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी मोज़िला फायरफॉक्स के साथ वेब विजम को किस तरह से यूज किया जाता है कैप्चा सॉल्व करने के लिए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल को किस तरह से पीडीएफ में कन्वर्ट किया जाता है। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम जियो की कुछ ऑफर्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको इस प्रोग्राम को पूरा सुनना होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि फायरफॉक्स के साथ WebVisum को किस तरह से यूज किया जाता है। WebVisum.com एक वेबसाइट है जिस पर हमें अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट अगर हो जाता है तो हम मोज़िला फायरफॉक्स पर एक एड ऑन इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसको इंस्टॉल करने के बाद अगर हम किसी भी पेज पर हो जहां पर कैप्चा हो और अगर वो कैप्चा एक्सेसिबल नहीं है तो WebVisum की हमें जरूरत पड़ती है। इसीलिए WebVisum एड ऑन फायरफॉक्स में इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और WebVisum की एड ऑन को फायरफॉक्स में किस तरह से इंस्टॉल करना है, ये सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगी। चलिए तो सीखते हैं WebVisum। दोस्तों, मेरे लैपटॉप में विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है और मोज़िला फायरफॉक्स मुझे ओपन करना है, क्योंकि WebVisum जो है वो सिर्फ मोज़िला फायरफॉक्स में ही काम करता है। मोज़िला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है जिसे कि आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। filehippo.com से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है या फिर आप इसे फायरफॉक्स की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं मोज़िला फायरफॉक्स को ओपन करूंगी। जी, तो सबसे पहले हमें WebVisum के वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो मैं यहाँ पर WebVisum की वेबसाइट ओपन करूंगी, Alt D प्रेस करूंगी और एड्रेस बार पे जाकर WebVisum.com टाइप करके उसे ओपन करूंगी। ये वेबसाइट ओपन हो रही है और अब यहाँ पर मुझे लॉगिन एंड रजिस्टर पर जाना है। मैं डाउन एरो से उसे फाइंड आउट करती हूँ कहाँ पर ये लिंक है। लॉगिन स्लैश रजिस्टर, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आपको यहाँ पर जाना होता है और यूजर नेम पासवर्ड में अपना, जो भी आपने यूजर नेम पासवर्ड सेट किया है वो सेट कीजिए और लॉगिन पर क्लिक कर दें। अदरवाइज हमें क्रिएट अकाउंट में जाकर अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो पहले मैं इस लिंक पर एंटर करती हूँ, लॉगिन स्लैश रजिस्टर। अब यहाँ पर डाउन डाउन एरो से मैं जा रही हूँ, सीधा ही मुझे मिला डोंट हैव एन अकाउंट और उसके नीचे डाउन एरो करने पर लिंक क्रिएट अकाउंट। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पर जाना है। तो पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि इसका फॉर्म अकाउंट क्रिएट करने वाला किस तरह का होता है, आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट है तो इसलिए मैं क्रिएट तो नहीं करूंगी।
मैं क्रिएट एन अकाउंट पर जाती हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, इसी पेज पर ही अगर हम डाउन एरो कंटिन्यूसली प्रेस करते हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड फिल करने की जगह है जहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें लॉग इन करना होता है। डाउन एरो से देख रही हूँ, ये देखिए मेरा अकाउंट का जो यूजर नेम यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ पर आपको पासवर्ड अपना एंटर करना है और डाउन एरो करके लॉग इन है। यहाँ पर आपको जब एंटर करेंगे तो लॉग इन हो जाएगा। अगर आपका पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना एक्टिवेशन कोड अपनी ईमेल आईडी पर भी मंगवा सकते हैं। चलिए तो मैं अप एरो करके क्रिएट एन अकाउंट पर जाती हूँ और उस फॉर्म पर एक नजर मार लेते हैं कैसा है ये फॉर्म। Create an account. Enter. Create an account. Link. WebVisum. Register Mozilla Firefox. WebVisum. Register Mozilla Firefox. Train. Become a member of the WebVisum community. Heading level 2. 2. Edit. Register. Heading level 2. Become a member of the WebVisum. मैं down arrow से सब read out कर रही हूँ, बस आप भी सुनते जाएगा और अकाउंट क्रिएट करते वक्त इन्हीं डिटेल्स को आपको फिल करना है। To register, you will need to have an invitation code provided to you by a current member of the WebVisum community. Please look at. Link request an invitation. जी देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जब भी आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको एक इनविटेशन कोड की जरूरत पड़ेगी जो कि WebVisum कम्युनिटी के किसी मेंबर से आपको लेनी होगी। जैसे कि मैं WebVisum की ऑलरेडी मेंबर हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लिया है, तो अब मैं किसी भी फ्रेंड को इन्विटेशन कोड भेज सकती हूँ। तो इन्विटेशन कोड मुझे यहाँ पर इस वेबसाइट पर आने के बाद login/register पर क्लिक करने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड मुझे फिल करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। जब मैं ऐसा करती हूँ तो वहीं पर ही मुझे एक लिंक मिलता है इनविटेशन। तो जब मैं इनविटेशन में जाती हूँ तो वो कोड मुझे वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा और वो कोड मैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर करूंगी। तो हमारे फ्रेंड को, जैसे कि सपोज अगर आप ही फ्रेंड हैं और आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको उस इनविटेशन कोड की जरूरत होगी। चलिए तो यहाँ पर ही एक बॉक्स भी होगा जहाँ पर उस कोड को हमें एंटर करना होगा। तो इसलिए आप इस इनविटेशन कोड की जो रिक्वेस्ट है वो किसी भी फ्रेंड से कर सकते हैं, उनसे इनविटेशन कोड ले सकते हैं। चलिए तो फॉर्म को देखते हैं डाउन एरो से। सभी फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं, किसी भी फील्ड को आपको छोड़ना नहीं है, सब फिल होना चाहिए। यहाँ पर यूजर नेम आपको टाइप करना है, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फुल नेम, अगर सपोज मेरा यूजर नेम जो था वो मैंने ज्योति टाइप किया था, अब फुल नेम मैं यहाँ पर डाउन एरो करके ज्योति मलिक स्पेस के साथ लिख दूंगी। डाउन एरो करती हूँ तो ईमेल है। यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी टाइप करूंगी jyoti.malik.92@gmail.com। पासवर्ड तो ये 6 या फिर 6 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए। Confirm password. Required password edit. Confirm password. वही पासवर्ड आप दोबारा लिखेंगे यहाँ पर जो आपने लिखा था। Invitation code. Required edit. यहाँ पर आपको वो इनविटेशन कोड फिल करना है जो आपने अपने फ्रेंड से लिया है जो कि ऑलरेडी WebVisum का रजिस्टर्ड पर्सन है। क्रिएट अकाउंट बटन, जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। बहुत ही इजी है, बस एक इनविटेशन कोड आपको अपने फ्रेंड से लेना है। उसके लिए आपको किसी ऐसे फ्रेंड को ढूंढना होगा जिसके पास WebVisum पर ऑलरेडी अकाउंट है। और दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि हमारे लिसनर्स बहुत फेस कर रहे हैं और मुझे रिक्वेस्ट आई है बहुत बार कि WebVisum को इंस्टॉल करना बताया जाए। दोस्तों जब मोज़िला फायरफॉक्स पर हम WebVisum को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो WebVisum की वेबसाइट पर एक डाउनलोड का लिंक होता है। जब वहां पर हम क्लिक करके इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर इंस्टॉलेशन में कुछ दिक्कत आती है, हम नहीं कर पाते हैं। तो वहां से इंस्टॉल नहीं करना है। अब एक नया तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही इजी है। अब इस वेबसाइट पर हमारा इतना ही काम था, मैंने अकाउंट क्रिएट किया, हो गया, और अब इस वेबसाइट को मैं बंद कर दूंगी। अब मैं मोज़िला फायरफॉक्स में गूगल को ओपन करूंगी। ये गूगल ही खुला है मेरे पास। चलिए तो मैं यहाँ पर एडिट बॉक्स में लिखती हूँ WebVisum add-on W-E-B-I-S-U-M
WebVisum space A-D-D-O-N. Enter WebVisum add Google search Mozilla Firefox. WebVisum add Google. यहाँ पर लिख दिया WebVisum add on. WebVisum add on लिखने के बाद अब मैं HH प्रेस करते हुए हेडिंग वाइज जंप करूंगी इस पेज पर और मुझे पहला ही सर्च रिजल्ट मिलेगा जिस पर मुझे एंटर करके WebVisum को इंस्टॉल करना है. Search results heading level 2. Search results के बाद पहला रिजल्ट ही होना चाहिए. WebVisum add-ons for Firefox heading level 3. WebVisum add-on for Firefox. ये लिंक हमें चाहिए. अगर आप इसे कंफर्म करना चाहते हैं कि ये राइट लिंक है कि नहीं, तो आप डाउन एरो करके सुन सकते हैं कि जो ये वेबसाइट है जहां से ये हम add-on इंस्टॉल करने वाले हैं वो Mozilla Firefox वालों की add-on वाली वेबसाइट होनी चाहिए. तो मैं डाउन एरो करके आपको एक बार सुना देती हूँ. http://addon.mozilla.com mozilla.org. यस, तो यही राइट वेबसाइट है. यहाँ पर हम मैप एरो करती हूँ और वो जो लिंक था WebVisum add-on for Firefox इस पे एंटर कर देती हूँ. WebVisum add-ons for Firefox heading level 3 link. WebVisum add-ons for Firefox heading level 3 link. WebVisum add-ons for Firefox Mozilla Firefox. WebVisum add-ons for Firefox Mozilla Firefox. WebVisum. अब ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है और डायरेक्ट वही पेज ओपन हो चुका है जहां से हमने WebVisum की add-on को इंस्टॉल करना है Mozilla Firefox में. अब मैं H प्रेस करती हूं एक बार. Add-ons heading level 1 link. अब ये add-ons heading है. अब मैं डाउन डाउन एरो से जाऊंगी. मुझे इस पूरी एड ऑन के बारे में मिलेगा और वहां पर ही एक ऑप्शन मुझे मिलेगी एड टू फायरफॉक्स. तो वही ऑप्शन है जहां जिसके थ्रू मैं एड ऑन को इंस्टॉल कर पाऊंगी. डाउन एरो करते हुए जाती हूँ. Heading level 5.5. Heading level 5 link WebVisum. Land. The ultimate web browsing helper for blind and visually impaired internet users. Land. Link add to Firefox. Add to Firefox. सभी information उसने आपको पढ़ के बताई. और अब मैं add to Firefox पर एक बार enter press करती हूँ. Enter. Alert. Addons.mozilla.org. 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 This site would like to install an add-on in Firefox. Post this message. WebVisum. WebVisum. Learn more. Cancel Alt plus C. Install Alt plus I. जी, तो इसने खुद से instruct कर दिया. Cancel Alt plus C. इंस्टॉल ऑल्ट प्लस आई. तो मैं ऑल्ट प्लस आई करती हूँ जिससे कि इंस्टॉल हो जाना चाहिए. जी, सब कुछ सुन लिया आपने. अब इन्होंने कहा है कि एड ऑन तब इंस्टॉल होगा जब आप फायरफॉक्स को रीस्टार्ट करेंगे. यहाँ पर फायरफॉक्स को रीस्टार्ट करना है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करना है. तो Alt प्लस R करने से फायरफॉक्स रीस्टार्ट हो जाएगा. तो मैं Alt R करती हूँ. Alt R restart now button menu press space to activate the menu then navigate with arrow keys. So alert addons.mozilla.org addons.mozilla.org. तो अगर Alt R प्रेस करने से रीस्टार्ट नहीं होता तो आप खुद से Mozilla Firefox को क्लोज करके उसे दोबारा से ओपन कर सकते हैं डेस्कटॉप से. Windows M. Main page. Mozilla Firefox. Enter. Mozilla Firefox. WebVisum login dialog. Read only login to your WebVisum account. If you have no account, please go to the WebVisum preferences and click the create new account button or visit webvisum.com. Username. Edit type of text. जी, तो WebVisum जब रीस्टार्ट हुआ यानी कि क्लोज होने के बाद दोबारा से ओपन हुआ तो WebVisum का एक छोटा सा पॉपअप हमारे सामने है जहां पर इसने अभी अनाउंस किया ही है कि आपको WebVisum की वेबसाइट पर अकाउंट होना चाहिए. अगर नहीं है तो वहां जाकर अकाउंट क्रिएट कीजिए. तो सपोज हमारे पास अकाउंट है तो यहां पर यूजर नेम पूछ रहा है तो मैं अपना यूजर नेम एंटर कर देती हूँ. चलिए, यूजर नेम एंटर किया. टैब प्रेस करती हूँ. यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड एंटर करती हूँ. चलिए, अब टैब करती हूँ. इसको चेक रहने देंगे. ओके पर स्पेस बार किया. जब ये मैसेज आना शुरू हो जाए, यू आर लॉग्ड इन टू WebVisum, क्लोज दिस मैसेज, इसका मतलब कि आप WebVisum पर लॉग इन हो चुके हैं. अब आप WebVisum को इजिली यूज कर सकते हैं. अब जल्दी से मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमें कैप्चर सॉल्व किस तरह से करना है.
जिस भी पेज पर कैप्चर है, किसी भी वेबसाइट पर अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहाँ पर कोई कैप्चर आ जाता है। कैप्चर इसलिए इंसर्ट किया जाता है फॉर्म में ताकि पता चल सके कि आप एक पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है जो फॉर्म को फिल कर रहा है। कई बार क्या है कि कुछ बॉट्स होते हैं जो कि फॉर्म्स पर अनलिमिटेड एंट्रीज डालते रहते हैं, उसे प्रिवेंट करने के लिए कैप्चर को इंसर्ट किया जाता है। तो कैप्चर जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए एक्सेसिबल नहीं होते, हमें किसी साइटेड पर्सन की हेल्प लेनी होती है उसे सॉल्व करने के लिए। कुछ नंबर्स, वर्ड्स या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन उस कैप्चर में होता है। तो WebVisum इस कैप्चर को सॉल्व करने में हमारी बहुत मदद करता है। तो जिस भी पेज पर कैप्चर होता है, आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, कैप्चर आपके सामने आ गया है, तो आपको उसी पेज पर एप्लीकेशन की लेनी है। Applications. Context menu to navigate. Press up or down arrow. Label form 2. Label page 3. Solve capture 6. Down down arrow करने से आपको option मिलेगी solve capture. Solve capture पर जब आप enter करेंगे. Enter. Leaving alerts. The capture was submitted to WebVisum. You will be notified when the result is read. Alerts. The capture result for Google.co.in has been added to your clipboard ready for pasting solution. Google. देखिए, Google.com का जो capture है वो solution के लिए मेरे पास आ गया है। अब मैं जिस भी edit box में जाती हूँ और वहाँ पर कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट की कमांड डालती हूँ तो कैप्चर वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। बस यही कमांड हमें देनी है कैप्चर सॉल्व करने के लिए जो अभी आपने सुना। बस जिस पेज पर कैप्चर है एप्लीकेशन की ले, डाउन डाउन एरो से सॉल्व कैप्चर पर एंटर करें और जिस भी एडिट बॉक्स में कैप्चर सॉल्व करने के लिए आपको दिया गया है उस एडिट बॉक्स में आप जाएं और कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट की कमांड दें, जो कैप्चर है वो पेस्ट हो जाएगा। कई बार आपको 10 से 15 सेकंड का वेट भी करना पड़ सकता है कैप्चर रिजल्ट को आपके क्लिपबोर्ड पर रेडी होने में। दोस्तों, अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी। जब भी हम मोज़िला फायरफॉक्स ऑपरेट करते हैं, अगर WebVisum आपके पास इंस्टॉल्ड है तो ये एक अजीब सी साउंड देता है, ठक 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 की। मैं आपको सुना देती हूँ, ये देखिए, ये रिफ्रेश करने पर भी आती है या पेज ओपन करते वक्त भी आती है। तो अगर आप ये नहीं चाहते इसे बंद किस तरह से करना है, मैं जल्दी से ये भी आपको बता देती हूँ। मोज़िला फायरफॉक्स ओपन करना है और टूल्स मेन्यू में जाना है ऑल्ट प्लस टी करके। मोज़िला मेरे पास ऑलरेडी ओपन ही है, होम पेज खुला है जो कि मेरा गूगल है और मैं यहीं पर ऑल्ट टी करती हूँ। अब डाउन एरो से आपको WebVisum सब मेन्यू मिलेगा। ये देखिए WebVisum सब मेन्यू, इसे राइट एरो से ओपन कर लेती हूँ। अब मैं इसे रीड करती हूँ डाउन एरो से। साउंड अलर्ट सब मेन्यू, इस पर भी राइट एरो करके इसे ओपन कर लेती हूँ। देखिए म्यूट ऑल नॉट चेक है, तो बस इसे म्यूट ऑल कर सकती हूँ मैं। म्यूट क्लिक्स, अच्छा सिर्फ क्लिक्स अगर आपको म्यूट करने हैं जो ये टक टक की आवाज है। म्यूट एरर्स, तो ये जो भी आप चाहें वो यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर उसका शॉर्ट की भी बता रखी है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस जीरो। तो ये आप प्रेस करेंगे तो ये म्यूट हो जाएगा यहाँ पर आए बिना भी। चलिए तो मैं यहाँ पर फिर म्यूट ऑल ही कर देती हूँ। ये म्यूट हो चुका है, अब आप कैप्चर इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकेंगे और सीखेंगे कि वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। सुनते रहेगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम टेक सिटी में। मैं हूँ आरजे ज्योति मलिक। दोस्तों, अभी आपने सुना कि किस तरह से WebVisum को यूज किया जाता है और कैप्चर सॉल्व किया जाता है मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउजर को यूज करते हुए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप अब WebVisum यूज करना सीख गए होंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना हो तो वो किस तरह से किया जाता है। पीडीएफ फाइल जो है उसे एडिट नहीं किया जा सकता। कई बार हमें जरूरत होती है, कई बार हमें शेयर करना होता है डॉक्यूमेंट, तो रिक्वायरमेंट होती है कि पीडीएफ फाइल हमें सेंड की जाए या और भी कई अपनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं।
दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है जिसे यूज करते हुए आप वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से मैं जॉज स्क्रीन रीडर को यूज करते हुए अपने लैपटॉप पर आपको बताऊंगी कि किस तरह से होता है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि जब आप डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन कर लेते हैं एमएस वर्ड में, तो आपको वहां पर प्रिंट की कमांड देनी है जो कि कंट्रोल प्लस पी से होती है। उसके बाद आपको जहां पर आपको स्कैनर चूज करना होता है, किस स्कैनर से आप प्रिंट करने वाले हैं, वहां पर आपको डाउन एरो करते हुए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ इस तरह की कुछ ऑप्शन होती है जिसे आपको सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना होता है। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप पर ट्यूटोरियल्स के साथ बता देती हूँ प्रैक्टिकली कि ये किस तरह से होता है। मैं किसी फोल्डर में जाती हूँ जहाँ पर मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट में एक फाइल क्रिएटेड है। उड़ान आइडल के नाम से ये डॉक्यूमेंट फाइल है, इसे ओपन करती हूँ। ये ओपन हो गया। मैं एक बार फाइल को रीड करके देख लेती हूँ इसमें। Radio Udaan presents an astounding opportunity to those who firmly believe in their musical flair. This is an opportunity for the disabled to want after recognition to their talent. चलिए ये पूरा डॉक्यूमेंट है, तीन पेजेस का है। तो अब यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस पी प्रेस करती हूँ। इस तरह का डायलॉग ओपन हुआ। तो यहाँ पर मैं दो बार टैब प्रेस करूंगी। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। इसके अलावा भी यहाँ पर काफी ऑप्शंस हैं। मैं अप एरो करके आपको बताती हूँ क्योंकि मेरे पास कैनन का प्रिंटर है। जब मुझे पेज प्रिंट करना होता है तो मुझे वहां पर एरो रख के प्रिंट पर क्लिक कर देना होता है, जिससे कि प्रिंटर से पेज बाहर आ जाता है जिस पर डॉक्यूमेंट का जो भी कंटेंट था वो प्रिंट हो जाता है। ये मैं अप एरो करके आपको बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसने बताया कैनन यूएसबी प्रिंटर ऑफलाइन, क्योंकि अभी प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो ये ऑफलाइन है। इस तरह की काफी ऑप्शंस हैं। तो अगर मुझे प्रिंटर से प्रिंट करना होता तो मैं इसको सिलेक्ट करती और ओके कर देती, तो जो भी डॉक्यूमेंट था, जितने भी पेजेस थे, सब प्रिंट हो जाते। ये नहीं करना है हमें। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑप्शन थी माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, उस पर जाना है। मैं डाउन एरो से फिर वहीं जाती हूँ। और भी बहुत से ऑप्शन है, उन्हें इग्नोर करना है क्योंकि अभी हमारे काम की नहीं है। इसने रेडी कहा तो अभी ये जो ऑप्शन है ये करंटली हम यूज कर सकते हैं, रेडी है। चलिए तो अब मैं यहाँ पर शिफ्ट टैब करती हूँ और वही दो बार शिफ्ट टैब किया और प्रिंट बटन आया, यहाँ पर स्पेस बार कर देती हूँ। अब यहाँ पर मुझे फाइल का नाम देना है, उड़ान आइडल ही दे देती हूँ। यहाँ पर ऑप्शन पीडीएफ ऑलरेडी फिल्ड है। अब हम ये देख लेते हैं कि किस फोल्डर में सेव हो रहा है। तो मैं टैप टैप करके लिस्ट व्यू में जाती हूँ जहाँ पर मुझे फोल्डर व्यू लिस्ट व्यू इस तरह से बोलेगा और वहाँ पर पता चल जाएगा कि किस फोल्डर में है। ये डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है। ट्री व्यू में इसने बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स ओपन है और डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है। यहाँ पर टैप करने के बाद ये फोल्डर के व्यू में ओपन हुआ है। अब यहाँ पर मैं इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी कोई लोकेशन है या यहाँ से बाहर जाना है तो मैं यहाँ पर सेट कर सकती हूँ। फिलहाल मैं डॉक्यूमेंट्स में ही इसे सेव करती हूँ। यहाँ पर मैं सेव कर देती हूँ। चलिए तो अब मैं डॉक्यूमेंट्स में जाती हूँ और देखती हूँ कि पीडीएफ फाइल वहाँ पर है उड़ान आइडल के नाम से या नहीं। Document,
ये मिल गया उड़ान आइडल डॉट पीडीएफ। अब इस पे एंटर करके इसे भी पढ़ लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये पूरी फाइल सेव हो चुकी है पीडीएफ में। दोस्तों, जहाँ पर हमने प्रिंट टू पीडीएफ ऑप्शन सिलेक्ट की थी, वहीं पर आपको टैप करते हुए एडवांस ऑप्शन भी मिलेगी। अगर आप किसी भी तरह की चेंजेस चाहते हैं, आप वहां से एक्सप्लोर करके खुद कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास ये फाइल सेव्ड है जो कि पीडीएफ में है। अब मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, पीडीएफ फाइल को क्रिएट करने के लिए या उसे रीड करने के लिए आपके कंप्यूटर में अडोब रीडर होना जरूरी है। अडोब रीडर अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल्ड होगा तो ही आप पीडीएफ फाइल्स को रीड कर सकते हो। एक्रोपैड रीडर डीसी, ये वाला सॉफ्टवेयर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अडोब रीडर के नाम से सर्च कर सकते हैं गूगल से, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक और छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकेंगे। इस ब्यूटीफुल से सॉन्ग को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद और जानते हैं जियो के कुछ लेटेस्ट ऑफर्स के बारे में। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम टेक सिटी में। मैं हूँ आरजे ज्योति मलिक और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, तो उम्मीद है कि अब आप ये सब जान चुके होंगे और पीडीएफ फाइल क्रिएट करना सीख गए होंगे। रिलायंस जियो तो अब हर घर में होता ही है। अगर आपने भी रिलायंस जियो का सिम खरीदा है और अभी आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा रिचार्ज करवाएं, क्योंकि हाल ही में रिलायंस जियो ने बहुत से रिचार्ज ऑफर्स दिए हैं। 1 GB पर डे दे रहे हैं और स्पीड भी अच्छी खासी है। 99 रुपीज की प्राइम मेंबरशिप है और उसके बाद आपको कुछ प्लान्स हैं जैसे कि 303 समर सरप्राइज ऑफर जो कि अब बंद हो गई है, और 303 का जो प्लान है वो अब आपको 309 में मिलेगा जियो धन धनाधन ऑफर के नाम से। अगर आपकी ऐसी कुछ क्वेरीज हैं और अगर आपने किसी भी तरह का रिचार्ज ही नहीं करवाया है तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर जियो की जो फ्री सर्विस है वो हमें कब तक मिलेगी, ऐसी बहुत सी क्वेरीज आपकी जरूर होंगी। तो आज उन्हीं क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। YouTube पर ब्राउज करते हुए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुझे मिली जो कि मैं आपको भी सुनाना चाहूंगी। इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपकी रिलायंस जियो रिचार्ज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी। आइए सुनते हैं इस वीडियो को। गाइज, फाइनली जियो ने अपना धन धनाधन ऑफर जो है वो लॉन्च कर दिया है, और इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा समर सरप्राइज ऑफर जो आया था और ये वाला जो ऑफर है धन धनाधन, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, और आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड, सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने का ट्राई करूंगा। जियो धन धनाधन में ये बोलता है कि अगर आपने 99 रुपीज की प्राइम मेंबरशिप लेके रखी है लेकिन आपने अभी तक कोई रिचार्ज नहीं कराया है, 303 या फिर जो जियो समर सरप्राइज ऑफर था वो आपने नहीं लिया है, तो आपको 309 रुपए का रिचार्ज कराना है। उसमें आपको 1 GB पर डे मिलेगा 3 महीने तक। 3 महीने मतलब ये 28 डेज से 1 मंथ गिन रहे हैं, तो 84 डेज तक आपको मिलेगा। और आपने प्राइम मेंबरशिप लेके रखी और आपको 2 GB पर डे चाहिए तो आप 509 का रिचार्ज कराइए, आपको 2 GB पर डे मिल जाएगा 3 महीने तक, मतलब 84 डेज तक। और अगर आप ऐसे यूजर हैं जिनने कोई रिचार्ज नहीं कराया है और कोई भी प्राइम मेंबरशिप नहीं ली है, तो रिलायंस जियो आपको फोर्स कर रहा है कि आपको 99 + 309 रुपए देना है, मतलब टोटल 408 रुपए देना है 1 GB पर डे 84 डेज के लिए। और अगर आपको 2 GB पर डे चाहिए तो 99 + 509 608 रुपए देना है 3 महीने के लिए 84 डेज के लिए। तो जैसे अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप नॉन प्राइम यूजर हैं तो आपको 349 देना है या 549 देना है, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि मतलब हमको लॉस हो गया क्योंकि हमने 99 दिया उसके बाद भी हमको यही चीज मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। रिलायंस जियो फोर्स कर रहा है कि अगर आप नए यूजर हैं और प्राइम मेंबर नहीं है तो आपको 99 + 309 देना है और 99 + 509 देना है। तो अगर आपने प्राइम मेंबरशिप नहीं ली, रिचार्ज नहीं कराया है, तो 408 और 608 का आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा पहला।
अब क्वेश्चन आता है कि भाई मैंने 99 और 303 या फिर जो समर सरप्राइज ऑफर था वो तो लेके रखा है, तो अब मैं क्या करूं? सर आपको कुछ नहीं करना है, 15 अप्रैल तक आपको सारी चीजें मिलेंगी जैसी मिल रही है। 16 अप्रैल से आपको 90 डेज के लिए समर सरप्राइज ऑफर ऑन हो जाएगा, जो भी आपने रिचार्ज कराया होगा, जो भी ऑफर चल रहे थे उसके हिसाब से। उसके बाद जब वो 90 डेज खत्म होंगे, फिर जो भी आपने पहला रिचार्ज कराया होगा 303, 149 या 999 जिसका भी आपने कराया होगा वो स्टार्ट होगा उसके बाद। और आप रिचार्ज के सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ ये जियो बोल रहा है कि जियो धन धनाधन जो ऑफर है वो आपके नंबर पे वन टाइम, मतलब पहली बार रिचार्ज करेंगे तो ही चलेगा, ये रिकरिंग नहीं चलेगा कि आपने 3 महीने ले लिया फिर से 3 महीने आपने ले लिया। इन शॉर्ट जो ऑफर 303 का था 1 GB पर डे 28 डेज के लिए वो 309 का हो गया, और 499 वाला 509 का हो गया, और धन धनाधन बेनिफिट सिर्फ फर्स्ट टाइम रिचार्ज पे ही काम करेगा। अब मान लीजिए आपने जियो समर सरप्राइज ऑफर लेके रखा है लेकिन उसके बाद आप वापस ये चीज करा लेंगे, तो होगा ये कि 309 वाला जो प्लान है वो जब आपका पुराने प्लान जितने भी है, पहले समर सरप्राइज ऑफर खत्म होगा, फिर जो पुराने रिचार्ज हैं वो खत्म होंगे, उसके बाद 309 वाला प्लान चलेगा सिर्फ 28 डेज के लिए। अगर आप ऐसे यूजर हैं जिनने कोई रिचार्ज नहीं कराया, सिर्फ प्राइम मेंबरशिप लेके रखी है, तो आप 309 का ले सकते हैं। 16 तारीख से ये स्टार्ट होगा, लाइक स्टार्ट तो हो गया है रिचार्ज कराना, बट 15 तक तो आपको सारी चीजें फ्री ही मिलना है। 16 तारीख से आपको ये वाला प्लान स्टार्ट होगा, उसके बाद 84 डेज के लिए आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने जियो समर सरप्राइज ऑफर लेके रखा है, मतलब 303 प्लस 99 का आपने देके रखा है, तो आपको 402 रुपए लगे आपके, और उसमें आपको मिल गया सीधा सीधा 90 प्लस 28 डेज, टोटल आपको 118 दिन मिल गए। यहाँ पे सिर्फ 84 डेज मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं समर सरप्राइज ऑफर भी अच्छा था बट ट्राई की वजह से उनको बंद करना पड़ा। और यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई जो नॉन जियो है, नॉन प्राइम कस्टमर है, उनको 349 का करना है या 549 का करना है, तो ये गलत है। जियो फोर्स कर रहा है उनको प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए। जैसे ये नंबर जो है ये मेरा प्राइम में है, तो आप नीचे देखिए यहाँ पे सिर्फ आ रहा है इनेबल ऑटो रिचार्ज, और ये जो ये दूसरा नंबर है इस पे आ रहा है आई वुड लाइक टू सब्सक्राइब टू जियो प्राइम मेंबरशिप, ये वाला टिक मैं हटा नहीं सकता। मैं अगर क्लिक करता हूँ बाय पे तो ये 309 वाला जो प्लान है ऑटोमेटिकली करके वो मुझे बता देगा आपको प्लस 99 और देना है, मतलब टोटल मुझे 408 रुपए का पे करना है इस रिलायंस जियो को। तो ये गलत है कि अगर आप प्राइम मेंबरशिप नहीं है तो आपको 40 रुपए एक्स्ट्रा देके वही बेनिफिट्स मिल रहे हैं। रिलायंस जियो फोर्स कर रहा है उनके कस्टमर्स को कि अगर आप नॉन प्राइम यूजर हैं तो भी आपको 408 देना है, आप नए यूजर हैं तो भी आपको 408 देना है। और अगर आप ऐसे यूजर ने सिर्फ आपने प्राइम मेंबरशिप लेके रखी है लेकिन कोई रिचार्ज अभी नहीं कराया है तो आपको 309 देना है और 509 देना है। इन सारे प्लान्स की वैलिडिटी 84 डेज के लिए है। तो अगर आपने समर सरप्राइज ऑफर लेके रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 90 डेज पहले मिलेंगे, उसके बाद आपका 28 डेज वाला वो रिचार्ज स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत है कि तब कौन सा प्लान चलेगा। और ये जो प्लान है ये 309 वाला बोलिए, ये 509 वाला बोलिए, तो ये प्लान सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम रिचार्ज के लिए है, पहली बार आप रिचार्ज करेंगे तभी ये चीज मिलेगी। 3 महीने या फिर 84 डेज खत्म होने के बाद 309 में आपको 1 GB पर डे मिलेगा 28 डेज के लिए, 509 में आपको 2 GB पर डे मिलेगा 28 डेज के लिए। सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करके दिए हैं। और समर सरप्राइज और जियो धनाधन ऑफर दोनों आप मिक्स नहीं कर सकते। अगर आपके पास समर सरप्राइज ऑफर है, आपने 9 अप्रैल के पहले या 10 अप्रैल के पहले रिचार्ज करा के रखा है 303 का, तो फिर आपको वो 3 महीने तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके बाद आपका पेड रिचार्ज स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको जरूरत है आगे रिचार्ज कराने की। लेकिन आप अगर ऐसे यूजर हैं कि आपने 99 का लेके रखा है लेकिन अभी कोई रिचार्ज नहीं कराया, तो रिलायंस जियो आप लोगों के लिए लाया है जियो धनाधन। सिंपल आपको रिचार्ज कराना है 309 या फिर 509 से, उसके बाद आपको मिल जाएगा 1 GB पर डे या 2 GB पर डे पूरे पूरे 3 महीने के लिए 84 डेज के लिए। और वो लोग जो सोच रहे हैं कि भाई मैंने अभी तक कोई रिचार्ज नहीं कराया और मैं नहीं कराऊंगा तो मुझे फ्री चीजें कब तक मिलेंगी, तो 15 तारीख को रात को 12 बजे तक आपकी चीजें चलेंगी 1 GB पर डे, उसके बाद जो है वो आपकी सिम डीएक्टिवेट हो सकती है अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं। थैंक यू जी। तो अब 309 प्लस 99 की प्राइम मेंबरशिप जियो की अगर आपको रिचार्ज करवानी है तो आप पेटीएम का यूज कर सकते हैं या फिर जियो मनी ऐप से भी इसे रिचार्ज करवा सकते हैं। यही हमारा मकसद है कि आप इंडिपेंडेंट बने। इसी मकसद के साथ आज का शो यहीं पर ही मुझे रोकना होगा क्योंकि आज के ट्यूटोरियल्स इसी के साथ ही यहीं पर पूरे होते हैं। जी तो दोस्तों आज के शो में इतना ही। तो दोस्तों आपको ये शो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर विजिट कीजिए, छोटा सा फीडबैक का फॉर्म है इसे जरूर फिल कीजिए, और साथ ही में आप हमें mail@radioudan.com पर मेल भी कर सकते हैं। फेसबुक का पेज रेडियो उड़ान, फेसबुक ग्रुप रेडियो उड़ान, ट्विटर @रेडियो उड़ान, व्हाट्सएप ग्रुप रेडियो उड़ान आप ज्वाइन कर सकते हैं, और रेडियो उड़ान की मेलिंग लिस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रेडियो उड़ान के पुराने शोज हम टाइम टू टाइम यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं ताकि लिसनर्स को
शो सुनने में दिक्कत ना आए। तो दोस्तों हमेशा सुनते रहेगा रेडियो उड़ान। और जाते जाते आपको ये भी बताती चलूं कि अगर आप टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, आपके पास कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो रेडियो उड़ान की ईमेल आईडी mail@radioudaan.com पर आप हमें ट्यूटोरियल्स सेंड कर सकते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो अपनी रिक्वेस्ट mail@radioudaan.com पर सेंड कर सकते हैं। मुझे यानी ज्योति मलिक को आप दीजिए इजाजत अगले सप्ताह कुछ और ट्यूटोरियल्स के साथ, कुछ नया बताने, कुछ नया सिखाने फिर से हाजिर होंगी इसी रेडियो स्टेशन पर इसी समय, यानी कि हर वीरवार रात 9 बजे से 10 बजे तक प्रोग्राम टेक सिटी में। सुनते रहिए रेडियो उड़ान। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार।